सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने थरूर पर कसा तंज, कहा दूसरों के जैसे मेरे पास कोई घोषणा पत्र नहीं। जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा में आतंकी साजिश नाकाम, बम स्क्वाड ने विस्फोटक डिफ्यूज किया। फ्लाइट के खाने में मिला कॉकरोच, पैसेंजर ने ट्वीट कर की शिकायत, 10 मिनट के अंदर कंपनी बोली हम मामले की जांच करेंगे। गैस लीक से सरकारी स्कूल के 100 बच्चे बीमार, तमिलनाडु में क्लास में बेहोश मिले, अधिकारी बोली मामले की जांच करेंगे। कामयाब आईएनएस अरिहंत से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल, बंगाल की खाड़ी में सटी निशान। क्रिकेट और टेबल टेनिस के बाद अब बास्केटबॉल ग्राउंड में दिखे तेजस्वी, बॉल को नचाकर सीधे एक बार में किया गोल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में भारत की स्थिति पाकिस्तान और श्रीलंका से भी बदतर, 121 में भारत को मिला 107वां रैंक। गोवा के दूधसागर वाटरफॉल में अचानक बारिश से टूटा पुल, बचाए गए 40 से ज्यादा पर्यटक। राष्ट्रपति कलाम की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा समाज के हर वर्ग के साथ बिठाया था तालमेल। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, 15 दिन में तय करेंगे ऐप आधारित ऑटो रिक्शा सेवाओं के लिए किराए। आदर्श आचार संहिता में संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले चुनाव आयोग, सीताराम येचुरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा। सांसद प्रवेश वर्मा के बहिष्कार वाले बयान पर बवाल के बाद हरकत में आई बीजेपी, नड्डा ने मांगा जवाब। चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा दावा, गुजरात की जनता बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ है। इसरो रखेगा कॉमर्शियल सैटेलाइट प्रक्षेपण बाजार में कदम, एवीएम 3 रॉकेट तेज करेगा वनके के 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण। ने बीजेपी कांग्रेस पर कसा तंज, कहा यूपीए राक्षस को बीजेपी कांग्रेस ने खड़ा किया, उसकी वजह से साईं बाबा को झेलनी पड़ी थी। अलीगढ़ में 3 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिरी, घनी आबादी में देर रात हादसा, मलबे में 3 से घायल, गुटका लगा। प्रयागराज में दरोगा ने चुराया बल्ब, इधर उधर देखा फिर बल्ब निकालकर जेब में रखा, एसएसपी ने किया सस्पेंड। सीएम के आने से पहले खनन माफिया जफर गिरफ्तार, मुरादाबाद में आज भी पुलिस पर चलाई गोली, मुठभेड़ में घायल। प्रेमिका ने प्रेमी को हॉस्पिटल में पीटा, इंदौर से अलीगढ़ आई थी, होटल में रुके थे दोनों, विवाद होने पर प्रेमिका ने काटा अपना हाथ। गाजियाबाद में लिफ्ट में 30 मिनट फंसे रहे 3 रेजिडेंट्स, प्रतिक्रांत सोसाइटी में बेस
ट्रैक्टर ट्राली में घुसी एक महिला की मौत, 20 सवारी घायल, बाराबंकी से दिल्ली जा रही बस। कानपुर में डायरिया से दूसरी मौत, 70 साल के बुजुर्ग, इलाज के दौरान तोड़ा दम, डेंगू में पूरा बेकाबू, अब तक 89 केस। गंगा में जलमग्न हुआ 80% घाट, गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल से 2.5 मीटर नीचे, आरती और अंत्येष्टि स्थल भी बदले। बदायूं में रासलीला कलाकार मंच से गिरकर घायल, देर रात दादागंज में निकली थी शोभा यात्रा, राधा का किरदार निभाते समय गिरा। लखीमपुर खीरी में उधारी का रुपए मांगने पर युवक की पिटाई, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी, प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए लिए थे रुपए। शिकोहाबाद में ट्रक और दूध के टैंकर में भिड़ंत टक्कर में ट्रक चालक घायल, हादसे के बाद ट्रक और टैंकर मॉडल शॉप में घुसे। प्राधिकरण के खिलाफ भाकियों का धरना, धरने में शामिल हुए राकेश टिकैत, तीनों प्राधिकरण के 64% मुआवजे की मांग। हरदोई में जिसका किया गया अंतिम संस्कार, वो जिंदा मिला, जमीनी विवाद में फंसाने के लिए अज्ञात शव को बताया बेटा, मां बेटे गिरफ्तार। में डेंगू के बढ़ रहे मरीज, अब तक 33 भर्ती, लखनऊ भेजा जा रहा सैंपल, रोज 50 से अधिक पहुंच रहे मरीज। ज्ञानवापी मामले पर अयोध्या के परमहंस आचार्य हुए भावुक, बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। जमीनी विवाद में भाई को मारपीट कर किया मरणासन्न, मुजफ्फर में गांव नगर विधान समानली में देर रात भाई भतीजे ने किसान के घर पर बोला हमला। नोएडा में जलस्तर बढ़ाने की कवायद, वाटर मीटर लगाया जाए और वेटर लैंड के बाद पानी की गुणवत्ता का करे अध्ययन। सीतापुर में बाढ़ के पानी में डूबकर किशोर का मौत, घर गया था मवेशी को भगाने और पैर फिसलने से पुलिया के नीचे जा गिरा। फतेहपुर में मुठभेड़ में गो तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, साथ ही फरार तमंचा, गोवध करने के उपकरण और गोवंश बरामद। बागपत में चेकिंग के दौरान अभियुक्त गिरफ्तार, एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद, किसी घटना को देने जा रहा था अंजाम। कुशीनगर में सड़क हादसे में युवती की मौत, 4 घायल, 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर, सड़क पर गिरी युवती को कार ने कुचला। सीतापुर में गैंगस्टर कोर्ट ने भू माफियाओं को सुनाई सजा, रमन साहनी और सरोज अवस्थी को 5-5 साल की कैद। देवरिया में एसपी ने कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर, सीओ और सौंपी जांच की कमान, नाबालिग और उसके पिता की थी पिटाई। हापुड़ में भाजपा संगठन करेगा मंथन, आगामी निकाय चुनाव का चक्रव्यूह होगा तैयार, 19 जिलों के जुटेंगे भाजपा पदाधिकारी। अलीगढ़ में सावरिया हॉस्पिटल में प्रसूता की हुई मौत, परिजनों ने हॉस्पिटल स्टाफ पर लापरवाही का लगाया आरोप। सैफई पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सतीश महाना ने अखिलेश यादव और उनके परिजनों से की मुलाकात।
के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। मौत के बाद गुस्साए बजनू ने थाने में शव रखकर घंटों तक किया हंगामा। जनपदीय वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। चोरी के 1,10,00,000 के वाहन पारे वाहन बरामद किए। रायबरेली में जिला अस्पताल में जहरीली गैस के रिसाव से मचा हड़कंप। मरीजों को किया गया दूसरी वार्ड में शिफ्ट। उत्तराखंड में दूसरी महिला के प्यार में युवक के सिर पर चढ़ा खून। गर्भवती बीवी को नहीं बख्शा, दी दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के काशीपुर फायरिंग मामले में अब सिख समाज में भड़का। पुलिस को दिया अल्टीमेटम, कहा नहीं करेंगे अस्थियां विसर्जन। हाई एटीट्यूड वॉरफेयर में चलाए गोच अभियान। दो प्रशिक्षु पर्वतारोही अभी भी लापता। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री में तीर्थयात्रियों का टूटा रिकॉर्ड। अभी यात्रा के लिए 12 दिन का समय शेष। उत्तराखंड के देहरादून के डीलमरवा ने कड़ी मेहनत से पाया मुकाम, कहा सतत प्रयास का सफलता मूल मंत्र। उत्तराखंड से विदा हुआ मानसून, अब बढ़ेगी ठंड। 18 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने के आसार। उत्तराखंड में आज से देहरादून दिल्ली के बीच दौड़ेगी इलेक्ट्रिक लग्जरी बस। मुंबई की निजी कंपनी से हुआ करार। उत्तराखंड में विवेचक से मिलने जा रहे पंजाब के युवक पर रुद्रपुर में हमला, 3 पर मुकदमा। उत्तराखंड में ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए महाराष्ट्र के तीर्थयात्री। 5.89 लाख के बुक कराए थे 70 हेली टिकट। उत्तराखंड में ठग ने खुद को बताए परिचित, खाते में रुपए डालने का झांसा देकर निकाले 1,25,000 रुपए। अजय भट्ट व सरिता आर्य ने आपदा प्रभावित आलू खेत का किया निरीक्षण। जल्द ट्रीटमेंट शुरू कराने के निर्देश। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी फैमिली कोर्ट का एक तरफा तलाक का आदेश किया रद्द। पत्नी को हर माह 15,000 देना होगा। उत्तराखंड में कार्बेट नेशनल पार्क में आज से पर्यटक कर सकेंगे नाइट स्टे। पर्यटकों को लाफ सफारी के लिए भेजा। बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले जितेंद्र त्यागी का हिजाब और खुले में नमाज पर रोक के लिए एक कानून जरूरी। उत्तराखंड में तांत्रिक बन दिखाए बेटी की मौत का डर। घर में दवा खजाना निकालने की बात कर 120 लाख रुपए ठगे। बाड़ी ने पाक को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया। यूएस प्रेसिडेंट बोले पाकिस्तान के पास बिना किसी निगरानी के परमाणु हथियार है। सबसे बड़े ज्वालामुखी माउना लोहा में हलचल बढ़ी। 5.1 तीव्रता के भूकंप के सिर्फ 24 सेकंड पहले 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। दुनिया को खत्म कर देगा परमाणु हमला। पुतिन के करीबी लुकाशेंको की धमकी बिना सिर्फ यूक्रेन में नहीं होगा।
देश अमेरिका का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को फिर मिलेगी $725 मिलियन की सैन्य मदद। विदेश मंत्री अजय संगम इसके दो दिवसीय दौरे पर, काहिरा में प्रतिष्ठित हस्तियों से की मुलाकात। कोयला खदान में विस्फोट, 25 की मौत, धमाके से 20 लोग घायल, 985 फीट की गहराई से फंसे 50 से ज्यादा मजदूर। अमेरिका में भारतीयों पर हमले का विरोध तेज, श्वेत भी सड़कों पर उतरे, कैलिफोर्निया में मृत भारतीय परिवार का अंतिम संस्कार आज। वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेक पर खास इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा से पहले पीएम लीज ट्रस्ट ने हटाया, जेरेमी हंट को बनाया नया मंत्री। पुतिन ने नाटो के रूसी सेन से भिड़ने पर वैश्विक तबाही की दी चेतावनी, रूसी सेना के साथ नाटो सैनिकों की टक्कर वैश्विक तबाही होगी। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव के चलते सियासत तेज, सर्वे रिपोर्ट ने ट्रंप और बाइडेन को चिंता में डाला। सोना चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, 50,000 के करीब आया सोना चांदी भी फिसल कर 56,000 पर आई। दिवाली से पहले ही बाजार में त्योहारी रंगत, सितंबर में प्री कोविड से 21% बढ़ी रिटेल बिक्री, बीते साल से 17% ज्यादा सेल। अडानी ग्रुप नहीं खरीदेगा जेपी सिमेंट्स, कंपनी ने कहा वे इस तरफ किसी योजना पर काम नहीं कर रहे हैं। लॉन्च किया रेडमी A1 प्लस, 6.52 इंच की HD प्लस स्क्रीन, 5000 mAh बैटरी मिलेगी। सितंबर में डीलरशिप पर 1.42 लाख कारें पहुंची, 122% ग्रोथ हुई, त्योहारों की मांग पूरी करने के लिए डीलरों ने बढ़ाया स्टॉक। केंद्रीय मंत्री ने क्या आश्वस्त, अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा भारत। गेहूं का सरकारी भंडार 11% ज्यादा, खाद्य निगम का 5 साल के निचले स्तर पर। में मंदी की आहट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार, सितंबर में निर्यात बढ़कर $35 बिलियन हुआ। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान, कहा वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा भारत। आशंकाओं के बीच भारत के लिए खुशखबरी, SBI चेयरमैन ने कहा भारत पर अन्य देशों की तरह नहीं पड़ेगा मंदी का असर। रोहित ने सेलिब्रेट किया बाबर का बर्थडे, दुनिया के 16 वर्ल्ड कप के कप्तानों में भी चेयर किया। पाक मैच से पहले बाबर बोले, रोहित मुझसे बड़े, रोहित ने कहा जब मिलते हैं घर परिवार की बात करते हैं। इंग्लिश क्रिकेट में नहीं थमरा नस्लवाद, यार्क शायर पर आरोप लगाने वाले रफी को मिल रही धमकियां, इंग्लैंड छोड़ेगी। शमी T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार, ओपनिंग सेरेमनी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली रोहित शर्मा।
पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप टीम में हुई फखर जमा की एंट्री, शाहिन अफरीदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए भरेंगे उड़ान। शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिखा पृथ्वी शाह का ताबड़तोड़ शो, छत की पारी में जड़ दिए 9 हवाई छक्के। लौटे महेंद्र सिंह धोनी, आईपीएल से पहले पूर्व कप्तान ने की जमकर बल्लेबाजी। अर्जुन तेंदुलकर ने की करियर की सबसे खतरनाक गेंदबाजी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बरपाया कहर। प्रदर्शन पर सुरेश रैना ने दिया प्रतिक्रिया, बताएं ईमानदारी से कहूं तो आपको बस खेल के लुफ्त उठाने की जरूरत है। सौम्या सरकार और शोरफुल इस्लाम बांग्लादेश टीम में शामिल, सब्बीर रहमान और मोहम्मद सैफुद्दीन की छुट्टी। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रणवीर सिंह, अतरंगी लुक में आई नजर, यूजर्स बोले कार्टून लग रहा है। नहीं रहे हैरी पॉटर फिल्म के हैग्रिड, लंबी बीमारी के बाद रॉबी कोल्ट्रेन ने 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। साड़ी में एक इवेंट में पहुंची जैकलीन फर्नांडीज, वीडियो देख यूजर्स ने किया ट्रोल, बोले काले धन वाली सफेद हीरोइन। टाइगर 3 की रिलीज डेट में हुए बदलाव, ईद पर नहीं बल्कि अगले साल दिवाली के मौके पर होगी रिलीज। सारा शुभमन के डेटिंग की खबरें, दिल्ली के होटल से निकलते हुए गए स्पॉट, फ्लाइट में भी बैठे दिखे साथ। शहनाज गिल का लेटेस्ट वीडियो वायरल, हां हंसी बन गए गाते हुए आई नजर, सिंगिंग ने फैंस को किया इमोशनल। सेन के भाई भाभी के रिश्ते में आई दरार, राजीव सेन ने चारू असोपा को सोशल मीडिया से किया ब्लॉक। एकता कपूर को ओटीटी पर अश्लील कंटेंट के लिए फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप युवाओं के दिमाग को दूषित कर रही हैं। में स्पॉट हुई कैटरीना कैफ, इवेंट में दिखा ग्लैमरस लुक, वीडियो देख फैंस ने कहा नेचुरल ब्यूटी। सोनम कपूर नहीं रखती करवा चौथ का व्रत, बोली मेरे पति इस फास्ट के फैन है इसलिए मैंने व्रत नहीं रखा है। के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।